क्योंकि आखिर समाज में गुणों की कदर है और गुणों का उत्कर्ष होता है तो सारी बातें ठीक होके हम आगे बढ़ सकते हैं। उसको प्रोत्साहन चाहिए। गुणवान लोग तो रहते हैं, लेकिन गुणवान लोग हमेशा साधनवान रहेंगे ऐसा नहीं है। और गुणवान व्यक्तियों को भौतिक साधनों की आवश्यकता तो होती है, लेकिन वो गुणवान है तो अपने प्रयासों प्राप्त भी कर लेगा, परंतु मुख्य बात है प्रोत्साहन चाहिए। वो प्रोत्साहन देने का काम समाज के सब प्रमुख लोगों का रहता है, राजाओं का भी ये रहता था। अब राज्य व्यवस्था बदल गई तो भी राजाओं के इन सद्गुणों की परंपरा राजघराना चला रहा है, ये अभिनंदनीय बात है और मैं हमेशा ही इस बात के लिए भोसले राज परिवार का अभिनंदन करता हूं। क्योंकि गुणों के आधार पर समाज चलता है और समाज के गुणों के आधार पर देश बड़ा होता है। कोई एक व्यक्ति, एक समूह, एक विचार, एक तत्वज्ञान, उसके आधार पर देश बनते बिगड़ते नहीं है, वो अलग अलग होते। आज दुनिया के जो अच्छे देश है उसमें सब प्रकार के विचार हैं, उसमें अच्छे नेता उसमें भी है, और जिन देशों की हालत अभी खस्ता है उसमें भी नेता अच्छे मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं, वहां भी मिलते हैं। व्यवस्थाएं भी सब प्रकार की चल रही, सब प्रकार की व्यवस्थाओं से देश बड़े हो गए। तो इसका अर्थ यह है कि ये सारी बातें सहायक होती है, मुख्य बात यह तो ही है कि समाज में गुणवत्ता कितनी है, समाज में अपनापन कितना है, एकात्मता कितनी है, और समाज में स्वार्थ का लोप हुआ है कि नहीं हुआ। गुणों को प्रोत्साहन देने से ये सारी बातें बढ़ती है। कोई राजा या कोई प्रमुख आदमी गुणों का प्रोत्साहन दे रहा है, उसको अपने लिए वो करने की आवश्यकता नहीं है तो भी कर रहा है। इससे कहा जाए ना कहा जाए, अपने आप वो अपनापन का दायरा बढ़ते चले जाता है। क्योंकि मुझे कोई मदद करता है तो मेरे ऊपर जब प्रसंग आता है तब मैं भी वही करता हूं, मुझे वो स्मरण होता है। मनुष्यों में कृतघ्न लोग बहुत थोड़े होते हैं। सामान्य स्वभाव मनुष्य का कृतज्ञ रहना ये है, और इसलिए जब जब ऐसे होता है, जब जब यह अनुभव आता है, तब तब वो व्यक्ति अपने जीवन में भी कुछ न कुछ प्रमाण में इसी का आचरण करता है। तो गुणों का गौरव होने से गुणों को प्रोत्साहन मिलता है, एकात्म भाव का पुरस्कार होता है, और उसके कारण सारा देश एक वातावरण में प्रगति के राह पर चलता है। राजरत्न गौरव पुरस्कार भोसले कुल का भूषण है, लेकिन केवल उनके कुल का भूषण नहीं है, इसके चलते समाज अपने देश को दुनिया में भूषणास्पद बनाएगा, ऐसी उसकी ताकत भी बनती है। और इसलिए इन कार्यक्रमों का प्रोत्साहन भी प्रतिवर्ष इसमें अच्छी उपस्थिति में रहकर हमको करना चाहिए, और इससे प्रेरणा लेकर जितना हम कर सकते हैं उतना हमने भी प्रारंभ करना चाहिए। कोई गरीब विद्यार्थी है, आगे पढ़ सकता है, क्षमता उसकी है, लेकिन साधन नहीं है, उसके साधनों की पूर्णता या अंशतः आपूर्ति हम कर सकते हैं क्या? हमारे अपने घर में घर का काम करने के लिए जो लोग आते हैं, हम अपने बाल बनवाते हैं तो किसी नाई के यहां बनवाते होंगे, कपड़े धोते तो किसी के यहां धुलते होंगे ना। ये सब हमारा जीवन चलाने वाले लोग हैं, उनका घर कैसा है, उनके जीवन में गुण कौन से हैं, उनको साधन कितने हैं, ये अपना एक बड़ा कुटुंब है। जैसे राजा प्रजा को कुटुंब मानकर गुणी जनों की कदर करता है, उसको प्रोत्साहन देता है, जिस परंपरा का जोग सर ने भी उल्लेख किया, वैसे अपने इस बड़े कुटुंब में हम जितना भला सबका कर सकते बिना अहंकार किए, उपकार नहीं है ये, कर्तव्य है, वो अपना कुटुंब है, तो क्या हम प्रतिवर्ष कर सकते हैं, सोचना चाहिए,
आगे करना चाहिए। ऐसा आगम कर, अगर हम करते रहे तो राजरत्न पुरस्कार की परंपरा जो चली है उसके पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य सफल होगा। ये उद्देश्य उत्तरोत्तर अधिकाधिक सफल होता जाए ऐसा हम सब करें। और राजरत्न पुरस्कारों में इस बार दो नई बातें जुड़ी है, दो नए पुरस्कार जुड़े हैं, ऐसे इसमें और नए नए पुरस्कार आप हम सब लोगों के सहयोग से जुड़ते चले जाए, एक शुभकामना मैं ये देता हूँ और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।